Welcome back to my channel. I am Niharika and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel. So just a small disclaimer, this video is not like the other regular videos that I do on my channel. Aaj I just want to speak and tell you guys about something and that's about it. So it was my birthday. Most of you all must know that it was my birthday in the first week of September, and my dearest, loveliest, best friend Varsha gave me this gift, and I just want to tell you, usne mujhe ek dabba diya, and what she said was ki dekh kholne ke baad ye mat socho ki क्या दिया ये वर्षा ने, पहले ट्राई करियो, अच्छे से यूज करियो और फिर मुझे बताइयो कि तुझे ये गिफ्ट कैसा लगा. सो अबाउट आई शुड टेल यू अबाउट वर्षा ऑल्सो जस्ट टू क्लियर दिस स्टोरी. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. शी इज अ जर्नलिस्ट इन अ वेरी 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 रिनोन्ड न्यूज चैनल. शी इज इन टू हेल्थ सेक्टर. And she's a person जिसको ना नए नए products use करना और अलग अलग brands use करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो वो ये करती रहती है. So she gifted me this box and it contained 4 items in particular from a particular brand. So सबसे पहले तो I want to tell this thing after my experience that जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं या फिर जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं जो अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, हम लोग ना उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते. फॉर दैट मैटर आई थिंक वी डोंट इवन नो देम. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सी सिचुएशन में है अभी. लाइक पेंडेमिक इज गोइंग ऑन एंड वी ऑल आर सफरिंग इन वन और द अदर वे. एंड आई थिंक the most effect that has been done to all these small businesses. ये इतना important time है ना इस वक्त कि हम छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे brands को, homegrown businesses को, या फिर जो लड़कियां घर से काम कर रही है, छोटी छोटी चीजें खुद बनाकर sell कर रही है, या फिर ऐसी pages या brands या ऐसे लोगों को support करना चाहिए. Because you never know how it is actually unless and until you try them. And the same thing happened with me. Yes. So, just to be clear, this video is not sponsored at all. I just wanted to talk about this because मुझे एकदम झटका लगा और मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना अच्छा है. उसने मुझे 4 प्रोडक्ट दिए थे जिसमें से 2 तो मतलब मेरा दिल आ गया जिन पे. तो मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा है कुछ है तो आई हैव द लग्जरी ऑफ टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ स्मॉल बिजनेस और समथिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद दैट ब्रांड. तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं वीडियो बना देती हूँ. मेरा क्या जा रहा है, सिर्फ एक दिन ही तो जा रहा है यूट्यूब का जिसमें मुझे कुछ और अपलोड करना होगा, बट मैंने ये अपलोड कर दिया. सो आई डोंट रियली माइंड डूइंग दैट बिकॉज आई सपोर्ट पीपल. आई नो हाउ मच इट टेक्स एंड हाउ मच हार्ड वर्क इट गोज इन टू बिल्डिंग एन एम्पायर और यू नो वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑल दैट स्टफ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज. द ब्रांड नेम इज द नेचुरल वॉश. And they have all these skincare and all that products. So coming to the products that she gifted me, there are 4 products in total. I mean, she gifted me this onion hair oil. She gifted me this face wash, rose water, and a lip balm in particular. But I will just speak about these 2 babies right here because I absolutely loved the results of these 2 products. First product that I want to talk about is this onion hair oil with the goodness of ginger and flaxseed. It says it is 100% pure and natural and Ayurvedic blend for faster hair growth and complete nourishment. And it also says it suits all hair types. It is made in India. Obviously, we support local right now. Vocal for local, as I said. So, हम सबको
पता है कि अनियन कितना हेल्दी है हमारे बालों के लिए. मतलब एक बार पता क्या हुआ था, मैंने अनियन का पूरा कचूमर निकाल कर और पूरा जूस वूस निकाल कर अपने बालों के लिए निकाला, लगा लिया और रख दिया कुछ टाइम के लिए और फिर धो लिया. लेकिन भाई साहब उसके बाद जो बदबू आई बालों में, उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं लगाया अनियन जूस. लेकिन गाइज लेट मी एड, ये मैंने डरते डरते लगाया था और ये सोच के लगाया था कि चलो अभी तो बाहर नहीं जाना, अगर बदबू आई भी तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं बाहर ना जा पाऊँ और हिडियस की सिचुएशन हो जाए. लेकिन इस हेयर ऑयल में अनियन की बदबू ही नहीं है. दूसरी बात की बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है. तो आप लोगों ने देखा होगा मुझे बोलते हुए कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए हेयर ऑयल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो वो चिपचिप हो जाती है, तो मुझे एक्ने हो जाएगा अगर मैं पूरी रात तेल लगा के रखूँगी तो. बट ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, दिस ऑयल इज़ नॉट स्टिकी एट ऑल. तो मैं इसको रात को भी लगा सकती हूँ, मतलब जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको रात को लगाकर भी सो सकते हैं. और एज वर्षा इज इन द हेल्थ सेक्टर तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता होती है अलग अलग, मतलब वो बहुत ज़्यादा ना डीपली घुस जाती है प्रोडक्ट के अंदर और फिर उन्हें ट्राई करती है या ऑर्डर करती है. तो उसने ये मोस्टली इसलिए ट्राई किया था और इसलिए मुझे दिया क्योंकि दिस ऑयल इज नॉट जस्ट अनियन हेयर ऑयल. इस तेल के अंदर ना बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर है, आई मीन आई थिंक 19 इन पर्टिकुलर 19 तेलों को मिलाकर ये एक तेल बना है अगर मैं ढंग से बोलूं तो. आई मीन आई थिंक देयर इज ब्रिंगराज, ऑलिव ऑयल, जोजोबा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई डोंट नो, आई डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज. बट हाँ वर्षा लिखती है इनके बारे में तो इसलिए उसको पता है, इसलिए उसने मुझे ये दिया. सो येस आई थिंक दिस इज बाई फार वन ऑफ माई फेवरेट ऑयल्स नाउ. पर एक और ना मेरे को एक और चीज़ फील हुई है कि जब से मैं ये हेयर ऑयल यूज करने लगी ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम जो है ना मेरे बालों का बढ़ गया है. मतलब मैंने अभी तक इसको सिर्फ 4 से 5 बार यूज़ किया है बट उतने में ही मुझे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता लगा है. सो येस मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई लव्ड आउट ऑफ दी 4 प्रोडक्ट्स इज दिस वन. दिस इज द नेचुरल वॉश हर्बल लिप बाम. बीटरूट, इट इज इन द फ्लेवर बीटरूट एंड इट इज पैराबेन फ्री, इट इज ऑर्गेनिक एंड इट इज आयुर्वेदिक. And yes, it also says it provides long-lasting softness to lips, which is absolutely true, you guys. So I am a person जिसको हर वक्त lip balm चाहिए. मतलब मेरा आप drawer खोल के देखो तो I think I have more than 9 or 10 lip balms right now. Lip oils अलग से है. I want lip balm every single, you know, hour or so. मतलब जैसा ही हटा, मतलब मेरे lips ना बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, इट्स एक तो हेरिडिटी की वजह से मेरे लिप्स बहुत ब्लैक है बिकॉज माई मॉम हैज ब्लैक लिप्स तो मेरे भी ब्लैक लिप्स है. एंड बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से रहते हैं बिकॉज आई डो नॉट ड्रिंक वाटर विच आई शुड. आई लाइक अ लिप बाम, आई थिंक यू ऑल विल डू टू. तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम तक भी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे हर बार ऐसा नहीं करना पड़ता. तो वन इज दैट. Second, beetroot is very good for your skin, for your lips. You all should know that. बोलते हैं कि beetroot खाना चाहिए, beetroot का juice पीना चाहिए, beetroot गाल पे रगड़ना चाहिए, lips पे रगड़ना चाहिए, pink हो जाते हैं lips. So बहुत सुना है बचपन से. The best part about this lip balm is that it smells like bubble gum. It is dream. मतलब मैं ना आधी बार तो ऐसा ऐसा करके खाई जाती हूँ उसको क्योंकि ये इतनी टेस्टी स्मेल कर रही होती है ना. इट स्मेल सो गुड. मतलब बबल गम यार, पहले तो कॉमेंट्स में बताओ कौन कौन ने बबल गम बचपन में खाया है और फिर उसके बाद ये बताओ कि किसके घर के पास आज भी बबल गम मिलता है. क्योंकि मुझे बबल गम चाहिए भाई, मुझे इंस्टा पे डीएम करो, मुझे बबल गम शिप कर दो तुम बहुत सारे. ठीक है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट फॉर सम टाइम नाउ बिकॉज एक तो मेरे को बार बार नहीं लगाना पड़ता, इट स्टेज
फॉर सो लॉन्ग. एक तो ऊपर से ये इतना छोटा सा है कि मेरा अगर छोटा सा बैकपैक है या फिर स्लिंग है तो मैं उसके अंदर भी डाल के इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ. इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्सो. सो यस, दैट्स अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज. आई रियली होप कि हम अब कुछ कुछ होम ग्रोन ब्रांड्स और छोटे छोटे बिजनेस जो सफर कर रहे हैं पेंडेमिक की वजह से उन्हें सपोर्ट करें. एंड ऑब्वियसली वी शॉप फ्रॉम दी बड़े बड़े ब्रांड्स एंड ऑल दैट स्टफ एंड वी कैन नॉट स्टॉप डूइंग दैट. दैट इज आवर ह्यूमन बिहेवियर. बट देन वी कैन यू नो सपोर्ट सम ब्रांड्स. नो आई एम नॉट सेइंग सपोर्ट एवरी ब्रांड बट एटलीस्ट वी कैन हेल्प छोटे छोटे ब्रांड्स जितना हम ज़्यादा कर सकते हैं. Just because we are also human, they are also human, they are suffering, we are also suffering. If someone is helping us, we should help others as well. So this is what I think personally, and that's why I wanted to share it with you guys. So yes, that's about this video. I hope it was not boring because maine aise this video was very impromptu. I didn't think ki main ye video banaungi but fir bhi maine bana diya. That's it. Thank you so much for watching the video, guys. I love you all. You all should know that. And yes, you know the drill. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you get notified every time I upload the video. So the weekly shout out goes to Akansha Unique Craziness. Thank you so much for the lovely comment, Akansha. It really, really means a lot to me. Every appreciation from you guys really motivates me to work harder and harder on my content, on the videos that I create, and everything in general. So yes, thank you so much. And also guys, from now on I will be taking one name in the end of the video and not two, because I have started uploading twice a week. So I'll take one name on Saturday and one name on Wednesday. So yes, keep on commenting and use the hashtag Nika Parivar for the shout out if you want from me in the video. So yes, that's it.